दिवाली की रात रांची शहर में लोग धूमधाम के साथ आतिशबाजी कर पर्व का जश्न मना रहे थे। देर रात शहर के खादगड़ा बस स्टैंड से आग लगने की घटना सामने आई है। बस स्टैंड में बीती रात मूनलाइट नामक एक बस में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि लोग आग में झुलस गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बता दे कि दीपावली की रात रांची के खादगड़ा बस स्टैंड पर मूनलाइट नामक बस में आग लग गई। आग लगने की वजह से बस में सो रहे दो लोगों की जलकर मौत हो गई। दोनों मृतकों की पहचान मदन महतो और इब्राहिम के रूप में हुई है। इन दोनों को बस का ड्राइवर और खलासी बताया जा रहा है। दरअसल घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि यह देर रात घटी है। फिलहाल खादगड़ा टीओपी मामले की जांच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार बस रांची से सिमडेगा मार्ग पर चलती थी। पुलिस के मुताबिक दीपावली की रात दिया जलाकर बस में रखने की वजह से आग लग गई है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि बस के अंदर ड्राइवर और खलासी दिया जलाकर सो रहे थे। दोनों ही गहरी नींद में सो रहे थे। जब आग लगनी शुरू हुई तो दोनों को पता नहीं चल पाया। अंदाजा लगाया जा रहा है कि बंद बस में धुएं से दोनों बेहोश हो गए थे, जिस कारण वह आग में जल गए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।